पंजाब असेंबली के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। असेंबली के चारों तरफ कर्फ्यू का समा, मामूल से चार गुना ज्यादा सिक्योरिटी और पुलिस तायुनात। असेंबली में आने जाने के लिए दरबार गेट का इस्तेमाल। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक अहमद से। इखलाक अपडेट कीजिएगा। पंजाब असेंबली के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। असेंबली के चारों तरफ कर्फ्यू का समा है, मामूल से चार गुना ज्यादा सिक्योरिटी और पुलिस तायुनात। असेंबली में आने जाने के लिए दरबार गेट का इस्तेमाल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असेंबली के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई है और इस पर असेंबली के चारों तरफ कर्फ्यू का भी समा है। आपको बता रहे हैं जहां पर मामूल से चार गुना ज़्यादा सिक्योरिटी और पुलिस तायुनात है, जिस पर असेंबली में आने जाने के लिए दरबार गेट का इस्तेमाल किया गया है। इखलाक से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात करते हैं। इखलाक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है आज पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी को गैर मामूली तौर पर हाई अलर्ट रखा हुआ है और इस हवाले से जो है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी जो है वो पंजाब असेंबली के ना सिर्फ अंदर बल्कि पंजाब असेंबली के बाहर भी तैनात कर दी गई है। और इस हवाले से आज सहाफियों का जो है वो पंजाब असेंबली में दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया था, जिस पर सहाफियों ने की बहुत बड़ी तादाद ने पंजाब असेंबली के सदर गेट पर जो है वो इत्तेजाज किया। और इस हवाले से इत्तेजाज से मुमकिन इत्तेजाज से निमटने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से जो है वो वाटर कैनन और जो प्रिजन वैन्स हैं वो जो है वो खसूसी तौर पर यहाँ पर मंगवा ली गई हैं। और वाटर कैनन और बख्तर बंद गाड़ी और जो दीगर जो वो प्रिजन वैन्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजाम जो कर लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानब सहाफी जो है वो इस वक्त भी सरापा एहतजाज है। सहाफियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्पीकर के इकदाम के खिलाफ जो है वो यहाँ पर एहतजाज कर रही है, नारेबाजी कर रही है। सहाफियों का ये कहना है कि पंजाब असेंबली में दाखिला जो है वो उनका फिल फॉर खोला जाए और ये नहीं हो सकता कि अवाम के जो अवाम को दिखाने वाले जो अदारा है उसी को बंद कर दिया जाए, अवाम की जो आंख और कान है उसको बंद कर दिया जाए। आखिर स्पीकर पंजाब असेंबली ऐसा क्या इकदाम कर रहे हैं जिसकी वो पर्दापोशी कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है पंजाब असेंबली के बाहर जो है वो तो सहाफियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि जो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन की जानिब से बकायदा। ठीक है इखलाक, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे आप।